और अब एशिया कप की वो कहानी जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को जाननी चाहिए कि कैसे हुई थी एशिया कप की शुरुआत। बड़ी मजेदार कहानी है। तो अगर मैं कहूं कि एशिया कप को शुरू करवाने में इंग्लिश क्रिकेट इंग्लैंड वालों का हाथ था तो आप हैरान होंगे, क्योंकि इंग्लैंड ना तो एशिया में गिना जाता है ना इंग्लिश क्रिकेट वालों ने कभी एशिया कप में कोई दिलचस्पी ली। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी वजह से एशिया कप की नींव पड़ी। मामला पासेस से जुड़ा था, फ्री के पासेस जो हमें हमेशा चाहिए होते हैं। खैर पूरी कहानी पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1983 में, जब क्रिकेट की दुनिया में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड कप फाइनल में द माइटी वेस्ट इंडीज के सामने थी टीम इंडिया, जिसे पिछले दो वर्ल्ड कप तक सबने एक अनाड़ी टीम, एक नौसिखिया टीम माना था। वो टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में थी और इस वर्ल्ड कप फाइनल को देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के चीफ एनकेपी सालवे इंग्लैंड पहुंचे। एनकेपी सालवे उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद भी। क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से अपने दो जान पहचान वालों के लिए दो पासेस की मांग की, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने मना कर दिया। और तो और आईसीसी ने भी ये पास दिलाने से इनकार कर दिया। यानी बीसीसीआई का चीफ अपने लिए दो एक्स्ट्रा पासेस का इंतजाम नहीं कर सका। ये था उस समय के इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर भारत का सम्मान। उस दिन तो सालवे ने कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन ये बात उन्हें चुभ गई थी। बात सिर्फ दो पासेस की नहीं, बात इंग्लिश क्रिकेट के अधिकारियों के बदलाव जो उन्हें नागवार गुजरा था। अब उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि ट्वीट करो और भड़ास निकाल लो। नाराज सालवे ने यह तय किया कि जिस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इतनी अकड़ दिखा रहा, वो वर्ल्ड कप उनसे छीन लेगा। इंग्लैंड उस दौर में क्रिकेट का पावर सेंटर था। अब तक के तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही खेले गए थे और आम सोच यही थी कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर नहीं हो सकता। लेकिन आज सब जानते हैं कि अगले ही वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड से छीन लिया गया था। कहां हुआ था ये वर्ल्ड कप? भारत और पाकिस्तान में। और ऐसा मुमकिन हुआ था एशियाई क्रिकेट देशों की एकता की बदौलत। आईसीसी में वोट थे 37, 8 टेस्ट देशों के 2-2 और 21 एसोसिएट्स का 1-1 वोट। और वोट की एकता लाने के लिए बनाई गई एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इस एकता का प्रतीक बना एशिया कप। भारत ने वर्ल्ड कप जीता 25 जून 1983 को, और उसी दिन से सालवे ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था। फाइनल के अगले दिन यानी 26 जून को उनके बहनोई ने टीम के सम्मान में लंच दिया और सालवे ने उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ एयर मार्शल नूर खान को भी बुला लिया। एशियाई एकता में दूसरी बड़ी टीम पाकिस्तान का साथ बेहद जरूरी था। वहीं सालवे ने नूर खान को तैयार किया कि मिलकर वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से छीनेंगे, और यहीं से क्रिकेट के मंच पर एकता की शुरुआत हुई। अकेले भारत और पाकिस्तान भी ये नहीं कर सकते थे, और धीरे धीरे दूसरे एशियाई देशों को साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और इन दोनों की कोशिश से एशिया के दूसरे क्रिकेट खेलने वाले देश भी एक के बाद एक इस मुहिम में जुड़ते चले गए। एशिया के तीसरे टेस्ट देश श्रीलंका के गामिनी दसनायके भी तैयार हो गए, इस शर्त पर कि श्रीलंका कोई खर्चा नहीं करेगा। और उसी साल यानी 1983 में लाहौर में एक मीटिंग हुई जिसमें सब इकट्ठे हुए और तय किया गया कि एशिया कप खेलेंगे। लेकिन एशिया कप का इंतजाम करने का पैसा इनमें से किसी बोर्ड के पास नहीं था। खैर अगली मीटिंग की गई दिल्ली में, और इसमें आईसीसी के एसोसिएट मेंबर देशों को भी दावत दी गई, और इनमें से ही एक शख्स थे जिनका नाम था शेख बुखारी। तब तक एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड नहीं बना था और यूएई नई बनी काउंसिल का हिस्सा भी नहीं था। उन्हें खास मकसद से बुलाया गया था। वो पहले से शारजा में भारत पाकिस्तान के अनऑफिशियल मैचेस आयोजित कर रहे थे और टीमों पर अपने पेट्रोल डॉलर बरसा रहे थे, और अब भी बुखातिर साहब को वही करना था, यानी मैचों का आयोजन। और इसके लिए उन्हें थाली में परोस कर दिए जा रहे थे ऑफिशियल क्रिकेट मैच। तो यूं खेला गया 1984 में शारजा में पहला एशिया कप, जिसका आयोजन किया उस शख्स ने जिसकी अपनी टीम भी उस टूर्नामेंट में खेल तक नहीं रही थी। और यहीं शारजा में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई। तो इस तरह इंग्लैंड को जवाब देने के लिए बनी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल। जरा सोचिए,
कि अगर उस रोज सालवे साहब को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने वो दो एक्स्ट्रा पासेस दे दिए होते तो शायद आज एशिया कप नहीं होता, है ना। लेकिन इतिहास इसी तरह बनता है और ऐसी और दिलचस्प कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट एंड मोड।